गुड मॉर्निंग क्लास सेकंड। पार्थ सार्थ हमारे धार्मिक त्योहार, इसका प्रश्न एक, प्रश्न दो और प्रश्न तीन, ये तीन प्रश्न हम कर चुके हैं और आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ इसका प्रश्न चार। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें आपको छह प्रश्न दिए गए हैं, छह प्रश्न है और उनके उत्तर आपको लिखने हैं। तो प्रश्न आप किताब में से लिखेंगे और उत्तर मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर लिख के दे देती हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, पहला प्रश्न है इसमें क्या, तो आप पहले कॉपी में क्या करेंगे, क प्रश्न लिखेंगे, फिर उत्तर लिखेंगे इसका। पहले क प्रश्न लिखेंगे, प्रश्न क्या है, प्रश्न है होली का त्यौहार कब मनाया जाता है। चैप्टर में हमने पढ़ा था ना होली का त्यौहार कब मनाया जाता है, क्या लिखोगे आप इसका उत्तर, आप लिखोगे होली का त्यौहार फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। कब मनाते हैं, फागुन मास की पूर्णिमा, पूर्णिमा को मनाया मनाया जाता है। याद हो गया आपको होली कब मनाई जाती है, होली कब मनाते हैं, होली का जो त्योहार होता है बस आपको इतना से याद करना है, फागुन मास की पूर्णिमा। फागुन एक महीने का नाम है, हिंदी महीने का नाम है, फागुन मास, मास मीन्स महीना, फागुन मास की पूर्णिमा जब होती है उसको मनाया जाता है होली का त्यौहार। याद हो गया आपको। अब आप लिखेंगे प्रश्न नंबर ख, प्रश्न ख है प्रहलाद कौन था, तो कौन था प्रहलाद, प्रहलाद हिरण्यकश्यप का पुत्र था। क्या लिखेंगे आप इसका उत्तर, आप उत्तर लिखेंगे प्रहलाद, प्रहलाद हिरण्य कश्यप का पुत्र था। हिरण्यकश्यप का नहीं, राजा अत्याचारी राजा था, उसका बेटा था प्रहलाद, प्रहलाद हिरण्यकश्यप का पुत्र था। तीसरा प्रश्न लिखेंगे आप ग और फिर उत्तर लिखेंगे इसका, उत्तर मैं लिख के देती हूँ आपको। प्रश्न ग क्या है, प्रश्न ग है ईद का त्यौहार कब मनाया जाता है। ईद कब आती है बच्चों, ईद रमजान महीने जब, रमजान का पूरा महीना जब खत्म हो जाता है तो उसके दूज के दिन, मतलब दूज में दूसरे दिन चांद दिखाई देने पर ईद का त्यौहार मनाया जाता है। तो आप लिखोगे, क्या लिखोगे उत्तर, ईद का त्यौहार रमजान, रमजान के अंत में, रमजान क्या है, मुस्लिम लोगों का एक महीना है रोज, जिसमें पूरे महीने वो रोजा रखते हैं, व्रत रखते हैं, वो जो महीना है उसका नाम है रमजान। तो ईद का त्यौहार रमजान के अंत में, जो रमजान का महीना होता है ना, इसके आखिर में दूज का चांद, दूज यानी दूसरे दिन का, दूज का चांद दिखाई देने पर मनाया जाता है, दिखाई देने पर मनाया जाता है, मनाया मनाया जाता है। याद रहेगा आपको ईद कब मनाया जाता है, जब रमजान का महीने का अंत होता है, खत्म हो जाता है रमजान का महीना, तो उस पर उसके बाद में दूज का चांद दिखाई देने पर ईद का त्यौहार मनाया जाता है। अब आता है प्रश्न हमारा बड़ा घर, रोजा किसे कहते हैं, रमजान के महीने में मुस्लिम लोग जो व्रत रखते हैं उसे रोजा कहते हैं। उत्तर क्या लिखेंगे, रोजा किसे कहते हैं, आप लिखेंगे रमजान के महीने में मुस्लिम लोगों, मुस्लिम लोग व्रत रखते हैं, फास्ट रखते हैं, व्रत रखते हैं, कुछ भी नहीं खाते पीते, उस पूर्ण व्रतों को क्या कहते हैं, रोजा। रमजान के महीने में मुस्लिम लोग व्रत रखते हैं, इन्हें रोजा कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें, रोजा, रोजा ना, इन्हें रोजा कहते हैं। एक महीने तक वो पूरा फास्ट करते हैं, व्रत रखते हैं, उस फास्ट को ही रोजा कहते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा प्रश्न नंबर फिफ्थ, नंबर है प्रभु यीशु का जन्म कब हुआ था, बताइए कब हुआ था, आप लिखेंगे उसका उत्तर, प्रभु यीशु का जन्म, प्रभु कब हुआ था,
25 दिसंबर को हुआ था। कब मनाते हैं? यीशु का जन्म 25 दिसंबर को। तभी तो हम क्रिसमस मनाते हैं उस दिन, तो 25 दिसंबर को हुआ था। कब हुआ था प्रभु यीशु का जन्म? 25 दिसंबर को। लास्ट एक और क्वेश्चन है, चार क्रिसमस का त्यौहार क्यों मनाया जाता है? चार प्रश्न देंगे आप, और उत्तर देंगे। जो प्रभु यीशु का जन्म 25 दिसंबर को हुआ था ना, उसी दिन क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाता है। तो प्रभु यीशु की याद में ये त्यौहार मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन उनका जन्म हुआ था। और ये ईसाइयों के क्या है? गुरु है, ईसाइयों के ईश्वर है, भगवान है। तो प्रभु यीशु की याद में क्या लिखेंगे आप लिखेंगे यह त्योहार प्रभु यीशु की याद में, उनको याद करते हुए याद में मनाया जाता है। ठीक है, ये हो गया आपके चैप्टर के प्रश्न उत्तर। अब ये चैप्टर पूरा हो गया, और जब हमारे नेक्स्ट क्लास होती है ना, तो हम नया चैप्टर शुरू करेंगे पार्ट 8। आज आप पूरे पार्ट 7 का प्रश्न उत्तर जितना भी काम है कंप्लीट करें। कल सैटरडे है, संडे है, दो दिन आपके पास है, तो पूरा वर्क आप करें, और मंडे को कॉपी डिपॉजिट करवाएं चेकिंग के लिए स्कूल।